आज मैं आपको बता रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आपका टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। किसी वस्तु या पदार्थ का निरंतर विभाजन किया जाए तो सबसे छोटा अणु हमें प्राप्त होगा, उससे क्या कहेंगे, परमाणु कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या करा आपने, जैसे आप एक बड़ा आपने क्या लिया, पत्थर लिया, पत्थर को क्या करा आपने, तोड़ तोड़ के क्या कर दिया, उसको एक धूल के फॉर्म में चेंज कर दिया, तो क्या होगा, वो किस फॉर्म में चेंज हो गया, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में चेंज हो गया। मतलब किसी वस्तु या पदार्थ को जब निरंतर विभाजन किया जाता है तो सबसे छोटा अणु, अणु मतलब इतना छोटा अणु, धूल का सबसे छोटा जो हिस्सा होता है, धूल का भी 100 गुना छोटा हिस्सा है, उसको क्या कहेंगे अपन, अणु कहेंगे। उसे क्या कहा जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो धूल का, एक पत्थर के टुकड़े का भी धूल कर दो, धूल का भी जो 100वां हिस्सा हो, मतलब इतना छोटा कि उसको इजीली वो हवा में उड़ जाए या उसको उड़ाना इजीली हो, उसे क्या कहेंगे अपन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे छोटा स्ट्रक्चर परमाणु का, सबसे जो छोटा स्ट्रक्चर है उसको क्या कहा जाता है, परमाणु कहते हैं। परमाणु मतलब क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। अब जैसे ये आपका दे रखा है, ये आपका जैसे एटम इस तरीके से होता है, जो सबसे जो धूल का कण होगा उसका भी जो सेंटर होगा, सेंटर मतलब सबसे बीच वाला जो हिस्सा होगा, उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। जैसे आपने, मैंने प्लांट और एनिमल सेल का वीडियो भी बनाया था, उसमें भी देखा था, जो प्लांट और एनिमल सेल है उसमें भी क्या होता है, उसका एक सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। ये जो ऐसी आपको गोल गोल ये दिख रही होंगी, ये शेल, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक है। ऑर्बिट में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब धूल के कण क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे डायमंड, डायमंड का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही बनता है, जहाँ पे बहुत सारे कार्बन के एटम जुड़े रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है सारे। ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। मतलब ये ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और इसका जो सेंटर होता है इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। तो मतलब आपका जो एटम है, एटम मतलब धूल का कण, एटम, एटम मतलब आपका धूल का कण, धूल का कण भी जो आपको अंदर से स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, एक धूल का सबसे छोटा कण भी, उसका स्ट्रक्चर में भी उसका न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर भी क्या होंगे, ये बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते होंगे, ठीक है। फिर अगला है आपका टॉपिक प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज कण है। प्रोटॉन क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज कण है जिसका वजन 1.6727 × 10⁻²⁷ किलोग्राम है। मतलब प्रोटॉन क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और इसका जो सबसे हल्का जो वजन है वो कितना है, 1.672 × 10⁻²। ये सबसे छोटे जो आपका है क्या, प्रोटॉन, उसका वजन है, ठीक है। सरल बनाने के लिए हम इसके जो प्रोटॉन होता है उसको काय में नापा जाता है, AMU। AMU मतलब इसकी यूनिट होती है, एटॉमिक मास यूनिट। इसमें आपको प्रोटॉन को मेजर किया जाता है, कर लेते हैं, ठीक है। अब ये दे रखा है, इसलिए 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट का वजन कितना होता है, मतलब एक एटम का जो मास है, एक एटम का मास है उसको क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। मतलब एक एटम, एक धूल के कण का, धूल के कण के भी सबसे 100वें हिस्से का जो वजन है उसको क्या कहा जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट। उसका वजन कितना होता है, 1.6605 मतलब एक ही मान लो, 1.6 मतलब एक रुपये, मतलब एक रुपये मान लो, × 10⁻²⁷। −27 मतलब वो इतना छोटा होगा कि −27 गुना छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोटॉन का वजन, प्रोटॉन का वजन क्या होता है, 1.007316 एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। ये क्या होता है, आपका प्रोटॉन का वजन होता है, ठीक है। ये अपन ने प्रोटॉन के बारे में बात करा, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। जहाँ पे प्रोटॉन क्या था आपका, प्लस वाला चार्ज था, अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, नेगेटिव, ठीक है। इसका वजन 9.110 × 10⁻³ किलोग्राम होता है, ठीक है। 0.005494 इसका क्या होता है, वजन होता है। यह प्रोटॉन से क्या होता है, 2000 गुना हल्का होता है। मतलब ये इतना नेगेटिव होता है कि मान लो ये, इसका अगर मान लो, इसका वजन है अगर मान लो 2000, एक प्रोटॉन है उसका वजन मान लो क्या है, 2000 किलोग्राम है,
ठीक है। तो लेकिन ये इतना हल्का होगा कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा ये क्या होगा, सिर्फ आपका 1 किलोग्राम होगा। इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होगा कि आपका क्या होगा, 1 किलोग्राम होगा। इसका वजन कितना होगा, 2000 किलोग्राम। लेकिन इसका वजन कितना होगा, सिर्फ ये क्या होगा, इससे 2000 गुना छोटा होगा। ठीक है, 2000 गुना छोटा होगा, मतलब मान लो इसका वजन 2000 गुना है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा इतना छोटा होगा कि ये क्या होगा, इसका वजन 1 होगा। तो मतलब कहने का मतलब है 2000 गुना हल्का होता है। कौन हल्का होता है, आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, प्रोटॉन बड़ा होता है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे अपनी धरती, धरती क्या है, आपकी एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे, नदियाँ, इंसान, यहाँ सब रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा इसका क्या है, वजन है। तो आपकी पूरी अर्थ क्या है, एक बहुत बड़ी प्रोटॉन है। और यहाँ पे जो अपन लोग रहते हैं, यहाँ पे जैसे पेड़ रह रहा है, इंसान रह रहा है, गाड़ी घोड़े मकान, ठीक है, सब चीज़ें रह रहे हैं। तो अपन लोग क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। क्या है, अपन इलेक्ट्रॉन है। मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे अपन पॉजिटिव चार्ज भी हैं और नेगेटिव चार्ज भी हैं। लेकिन अपनी पूरी अर्थ क्या है, एक बहुत बड़ी प्रोटॉन है। प्रोटॉन मतलब उसका वजन काफ़ी अधिक बड़ा है, मतलब 2000 गुना जो धरती का वजन है वो क्या है, एक प्रोटॉन के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, प्रोटॉन मतलब एक अर्थ, अर्थ का वजन 2000 गुना बड़ा है। किससे बड़ा है, इलेक्ट्रॉन से बड़ा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे पेड़ मान लीजिए, इंसान मान लीजिए, नदियाँ मान लीजिए, ये अपन सब इलेक्ट्रॉन से है ना। और ये बहुत अधिक छोटा होता है। फिर अगला है आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है, 1.932 चैडविक है ना। और इसका इसका उस परमाणु कण की खोज की, ठीक है, इसने परमाणु कण की क्या करी थी, चैडविक ने क्या करा था, न्यूट्रॉन की खोज करी थी। ठीक है, अब ये चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। इसका जो वजन होता है ये क्या होता है, प्रोटॉन के बराबर होगा। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपन सब, मतलब इलेक्ट्रॉन अपन सब इंसान है, अपन सब इंसान है। इंसान क्या है, इंसान, पेड़ पौधे, ये सब क्या है, अपन इलेक्ट्रॉन से। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका जो वजन है ये लगभग क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ लिखा है 1932 में चैडविक ने एक और, ठीक है, एक और उसने क्या करा, परमाणु कण की क्या करी, खोज की, जिस पर कोई चार्ज नहीं था। परमाणु पे कोई चार्ज नहीं था, मतलब ये अर्थ तो अपनी पूरी प्रोटॉन थी, प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन अपन लोग थे। लेकिन एक और नया जो निकला न्यूट्रॉन, उस पर तो कोई चार्ज ही नहीं था। मतलब एक होती ना अनचार्जेबल चीज़, देखो बैटरी भी क्या होती है, चार्ज होती है, और एक अनचार्जेबल, एक चार्ज होती है, एक अनचार्ज होती है, और एक न्यूट्रल होती है। तो न्यूट्रल को क्या कहा गया, यहाँ पे न्यूट्रॉन कहा गया, ठीक है। और ये पर वजन करीब इसका क्या होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये परमाणु कण होता है, लेकिन इसका वजन प्रोटॉन मतलब वो अर्थ के बराबर होता है। 1.6750×10^27 इसका क्या होता है, इतना टाइम ये छोटा होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, न्यूट्रॉन से छोटा होता है। जैसे अब मैं कुछ देख रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये आपका क्या, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का यूज़ होता है, हाइड्रोजन आपकी साइकिल के टायरों के अंदर जो गैस होती है वो हाइड्रोजन यूज़ होती है। ठीक है, और ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होगा, बीच में आपका क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो क्या होता है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन मौजूद होते हैं। मतलब हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 ही प्रोटॉन होगा। और हाइड्रोजन गैस का यूज़ होती है आपकी साइकिल के टायरों के अंदर होती है, क्योंकि ये क्या होती है, अनफ्लेमेबल होती है। मतलब फूटने के बाद, ये ब्लास्ट होने के बाद आग नहीं लगाती है। फिर आपकी कार्बन, ठीक है, ये कार्बन दिख रहा है आपको, ये कार्बन, कार्बन में क्या होंगे, ये प्रोटॉन दिख रहा है। इसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होंगे। मतलब इसमें तीनों चीज़ 6-6 होती हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन में 1-1 होते थे, यहाँ पे क्या होंगे, 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन। मतलब ये बड़ा है उससे, हाइड्रोजन छोटा है, छोटा है, मतलब उसके पास 1 रुपया था। अब कार्बन है, उसके पास कितने, 6 रुपये, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन भी है, 6 न्यूट्रॉन भी और 6 प्रोटॉन भी, मतलब ये बड़ा है। तो बड़ा है तो क्या होगा, कार्बन का यूज़ होता है। कार्बन मैंने बताया था सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है, कार्बन का डायमंड होता है। डायमंड क्या होता है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। और कार्बन क्या होता है, जैसे कार्बन जैसे कोयला होता है, कोयले के अंदर भी कार्बन होता है। सबसे ख़राब क्वालिटी का कोयला होता है पीट, है ना, उसके अंदर भी कार्बन होता है। लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कार्बन होता है वो उसको क्या कहा गया है, डायमंड। डायमंड मतलब हीरा। हीरा क्या होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कार्बन होता है, जो क्या करता है, आपका देखा होगा आपने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है वो। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद शाइनिंग करता है। डायमंड क्या करता है, शाइनिंग करता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी होती है। तो सारी चीज़ें क्यों, क्योंकि वो किससे बना होता है, कार्बन। और कार्बन और बता दूं आपको, कार्बन जैसे मिट्टी के अंदर कार्बन होती है, मिट्टी के अंदर हाइड्रोजन होगा, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिट्टी के अंदर मौजूद होती है। फिर अगला है आपका ये, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होंगे और 8
प्रोटॉन होंगे, ठीक है। ये किसके अंदर होते हैं? आपके ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन क्या होती है? फ्लेमेबल गैस होती है। फ्लेमेबल मतलब जलने के बाद आग लगाती है, ठीक है। इसलिए देखा होगा बाहर जैसे लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं तो ऑक्सीजन से मिलके और क्या होती है, आग भड़कती है। तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन होंगे और 8 न्यूट्रॉन होंगे। अब ये सबसे छोटा था तो इसके पास एक एक था, उससे बड़ा कौन था? कार्बन था, तो उसके पास कितने थे? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन थे। अगला क्या है आपका? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन है, ठीक है। फिर आपके पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन मतलब पूरा आपका, पूरी एक धरती जो आपकी पूरी प्रोटॉन है, ठीक है। न्यूट्रॉन मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन मैंने बताया था जो प्रोटॉन के वजन के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन मतलब जो उसके अंदर घूमते रहते हैं, छोटे छोटे जो घूमते रहते हैं वो उसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है।